हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू अभिमन्यू आई आज हम इशू एंड एनालिसिस के टॉपिक में करेंगे एक नया टॉपिक डिजर्टिफिकेशन मेरा नाम मनिंदर है और मैं अभिमन्यू आई में फैकल्टी पे हूँ और पंजाब पीसीएस में रैंक 36 भी हूँ अभिमन्यू आई के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ तो ये 1999 से वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स है इन यू एंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशनस में और हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 2023-24 में टू टारगेट आई और ये इंटीग्रेटेड कोर्स होगा प्रीलिम्स और मेंस इसके अंदर इंटीग्रेटेड होगा और अगर आपको ये कोर्स एनरोल करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आ, क्लिक कर सकते हैं लिंक के ऊपर या फिर वहाँ पर फ़ोन नंबर दे रहा गया उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आ, अगर मैं बात करूँ इस पूरे टॉपिक के बारे में तो ये इशू एंड एनालिसिस का टॉपिक आपको आपके यू के मेन्स और अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज़ टॉपिक ऑफ़ डिजर्टिफिकेशन देखिए डिजर्टिफिकेशन के टॉपिक को अगर हमें समझना है तो हमें ये समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द मीनिंग ऑफ डिज़र्टिफिकेशन देखिए कोई भी एरिया जो है उसमें से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है फूड प्रोडक्शन होती है यानी कि वो एरिया उपजाऊ या फिर फर्टाइल होता है जैसे जैसे उस एरिया की फ़र्टिलिटी ड्यू टू वेरियस रीजंस डाउन जाना शुरू कर देती है यानी कि वो एरिया इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहा होता है तो हम बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर रीजन इज़ फेसिंग डिजर्टिफिकेशन सो डिज़र्टिफिकेशन इज़ बेसिकली टर्निंग ऑफ एंड प्रोडक्टिव लैंड इंटू एन अनप्रोडक्टिव लैंड यानी कि बेसिकली द आइडिया है इसके कोई भी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अगर डेजर्ट बनती जाए तो उस प्रोसेस को हम डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं सो so, डेजर्टिफिकेशन के बहुत रीजंस हो सकते हैं नैचुर भी डेजर्टिफिकेशन होती है लेकिन मैन मेड या फिर ह्यूमन मेड डिजर्टिफिकेसन भी होती है अब ये क्यों पढ़ रहे हैं इसके क्या रीज़न् देखिए ये इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे मैंने आपको बताया और इनफैक्ट ये हमारी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वंस द लैंड मोर एंड मोर लैंड इज़ बिकमिंग डेजर्ट आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि फ़ूड सिक्योरिटी को इसका काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है फ़ूड सिक्योरिटी अगर नहीं रहेगी तो इट इज़ गोइंग टू बी अ नेशनल सिक्योरिटी इशू एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ द वर्ल्ड तो इस वजह से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है नॉट जस्ट फॉर योर एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर योर लाइफ एज वेल तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स ऑफ डिजर्टिफिकेशन सबसे पहली चीज़ कि डिजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि डिजर्टिफिकेशन एक टाइप की लैंड डिग्रेडेशन को बोला जाता है लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि विद टाइम जब ज़मीन अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में डिग्रेड होना शुरू हो जाए डाउन होना शुरू हो जाए तो हम उसको डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं धीरे धीरे करके वो अपनी वाटर बॉडीज़ भी लूज़ कर जाती है मतलब हम वाटर बॉडीज की अगर बात करें तो वाटर बॉडीज दो टाइप की होती है एक अंडरग्राउंड वाटर बॉडी और एक ओवरग्राउंड वाटर बॉडी ओवरग्राउंड वाटर बॉडी में हमारा पॉन्ड हमारे लेक्स हमारे रिवर्स हमारे वेटलैंड्स आ जाते हैं तो जब ये सब चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं तो हम उस पूरी चीज़ को बोलते हैं कि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू नेगेटिवली अफेक्ट द फूड प्रोडक्शन लाइवलीहुड एट्सेट्रा नेगेटिवली का मतलब है कि हमारी फूड प्रोडक्शन डाउन चली जाएगी अगर कुछ एरियाज़ में पानी नहीं बचा और साथ साथ में जो भी लोग उस पर्टिकुलर एरिया से कनेक्टेड हैं यानी कि उनकी लाइवलीहुड्स हैं उनकी इनकम्स वहाँ से जनरेट होती हैं वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होंगी वंस दैट एरिया इज गोइंग टू बिकम डेजर्ट लैंड डिग्रेडेशन या डेजर्टिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ कॉज बाई मल्टीपल फोर्सेज मल्टीपल फोर्सेज का मतलब है कि यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर भी इन्वॉल्व है और नेचुरल फैक्टर भी इन्वॉल्व है लेकिन नेचुरली जो डेजर्टिफिकेशन होती है वो स्लो और ग्रेजुअल होती है इसलिए वो टाइम दे देती है टू द फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया टू अडाप्ट लेकिन जो ह्यूमन मेड या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से होने वाली डेजर्टिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पॉन्टेनियस और अनसर्टन होती है जिसकी वजह से जो फ्लोरा एंड फोना है यानी कि जो बायोडिवर्सिटी है वो अडेप्ट करने के लिए उसको समा नहीं मिलता और वो लूज़ कर जाती है सो डिजर्टिफिकेशन हैज़ समवेयर डाउन द लाइन लिंक टू द लॉस ऑफ़ बायोडिवर्सिटी दैट वी एज ह्यूमन स्पीशीज़ आर फेसिंग इन द वर्ल्ड सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे क्या रीज़न्स हैं डिजर्टिफिकेशन के यानी कि वॉट आर द काजिस ऑफ डिजर्टिफिकेशन देखिए सबसे इम्पॉटेंट और सबसे यू you नो know, uh, सबसे इम्पॉटेंट और सबसे अहम जो कॉज है वो है वाटर स्टोरेज का वाटर स्टोरेज uh, जो है वाटर शॉर्टेज का वाटर शॉर्टेज जैसे आपको बताया कि पानी की कमी होती जा रही है हमारे ओवरग्राउंड और हमारे अंडरग्राउंड सोर्सेज ऑफ वाटर डिप्लीट होते जा रहे हैं जैसे ग्राउंड वाटर टेबल डिक्रीज़ करता जा रहा है जैसे हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का जो साउथ वेस्ट एरिया है यानी कि मालवा रीजन है पंजाब का वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म होता जा रहा है डिप्लीट होता जा रहा है डार्क जोन्स बढ़ते जा रहे हैं इसका रीज़न मेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है यानी कि जो पैडी कल्टीवेशन कर रहे हैं और उसमें जो इनसेसेंट वाटर रिमूवल किया जा रहा है वो कही कहीं ना कहीं रीज़न है कि उस एरिया में पानी ख़त्म होता जा रहा है और आने वाले टाइम में जब पानी नहीं बचेगा तो फिर ये सारा का सारा एरिया अनप्रोडक्टिव और इनफर्टाइल हो जाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू लीड टू डिजर्टिफिकेसन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है डीफॉरेस्टेशन हम अपने फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं चाहे वो हमारा अर्बन uh, फॉरेस्ट है चाहे वो रूरल फॉरेस्ट है और हम वहाँ पे अर्बनाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं बिकॉज़ हमारे फॉरेस्ट लूज करते जा रहे हैं हमारे फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जो अंडरग्राउंड वाटर का रिचार्ज हो रहा है या फिर माइक्रो क्लाइमेट है वो वो जो है डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से वो ज़मीन जो है वो ज़मीन एरिड होती जा रही है अनप्रोडक्टिव होती जा रही है और डेफ़िनेटली डेजर्ट बनती जा रही है ओवर ग्रेजिंग इज़ ऑल्सो लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन जब आपके जो कैटल है वो जब ज़्यादा ग्रेज कर जाती है ज़्यादा खा जाती है जितना उसको नहीं करना चाहिए या फिर हमारी ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमने नंबर ऑफ कैटल्स को इनक्रीज़ कर दिया है इंडिया में तो वो भी कहीं ना कहीं डेजर्टिफिकेशन को लीड कर रही है अब जैसे आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम वार्मिंग या ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं तो उससे हो क्या रहा है कि ड्राइनेस बढ़ रही है और ड्राइनेस की वजह से भी डेजर्टिफिकेशन के जो जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं सेलिनाइजेशन आपने ये ज़रूर देखा होगा कि पानी में सॉल्ट बढ़ता जा रहा है वाटर सॉल्ट सॉल्टी होता जा रहा है और सैलेइजेशन से क्या होता है कि एक एक लेयर ऑफ सॉल्ट बन जाती है ज़मीन के ऊपर जिससे पेनिट्रेशन पानी की खत्म हो जाती है जब वाटर पेनिट्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो अगेन ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा और अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो फिर जब ज़रूरत पड़ेगी पानी की वो पानी नहीं मिलेगा तो वो एरिया डेजर्ट बन जाएगा विंड इरोजन जैसे आपको पता है कि काफ़ी जगह पे विंड जो है वो ऊपर सॉइल की जो टॉप लेयर है उसको लेके चली जाती है जैसे ही उस सॉइल को टॉप लेयर को ऊपर लेके चली जाती है तो हम उस फिना को सॉइल इरोजन बोलते हैं जो टॉप लेयर ऑफ़ द सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और जब सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल वहाँ से चली जाएगी तो वो सारा का सारा एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट यू नो कॉजे हैं डिजर्टिफिकेशन के जो कहीं ना कहीं ये पूरा फिनोमिना डिज़र्टिफिकेशन का जो है वो कॉज कर रहे हैं तो चलिए हम आगे चलते हैं अस सी इम्पैक्ट ऑफ डिजर्टिफिकेशन के क्या क्या ऐसे ही डिजर्टिफिकेशन के इम्पैक्ट्स हैं जो हो सकते हैं वाइट वेरी डेंजरस फिनोमिना देखिए डिजर्टिफिकेशन इज़ अ वेरी मेजर थ्रेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जैसे मैंने आपको बहुत बारी अब रिपीट कर ही दिया है कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही बुरे तरीके से इम्पैक्टफुल होगी uh, जैसे अगर हम पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो हमारी फूड प्रोडक्शन जो है वो स्टेबल uh, होती जा रही है वो uh, जो है वो सैचुरेशन uh, पॉइंट पे पहुंच रही है और फूड प्रोडक्शन अगर हमारी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई ऑन द अदर हैंड हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होनी शुरू हो गई तो थिंग्स कैन गेट प्रटी बैड फॉर द कंट्री इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जब डाउन जाएगी तो दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ मेजर पॉपुलेशन स्पेशली द वंस हु आर कनेक्टेड विद द प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर का मतलब है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड लोग ये सबसे पहले ये जो है लूज़ करेंगे और आपको मैं बताना चाहूँ तो सिक्सटी परसेंट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द लाइव ऑन दी यू नो दीज दी थिंग्स तो ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है कि हम 60 परसेंट ऑफ़ द पॉपुलेशन के साथ एक बहुत ही बड़ा uh, जो है डैमेज कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गो अप क्योंकि देखिए अगर लैंड डिग्रेडेड नहीं है अगर फर्टाइल है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है वो एक बहुत ही अच्छा सिंक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का लेकिन जब लैंड डिग्रेड हो जाती है तो वो डिग्रेडिड लैंड भी अपनी कैपेसिटी लूज़ कर जाती है ऑन यू नो ऑन ऑन एब्जॉपन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ग्रीन हाउस गैसेज सो ये ऐसे कह सकते हैं कि डिजर्टिफिकेशन क्लाइमेट चेंज को लीड करता है और क्लाइमेट चेंज इन रिटर्न डिजर्टिफिकेसन को लीड करता है तो दोनों एक दूसरे को फ्यूल देते हैं तो ये बड़ा डेंजरस है अगर ऐसा चलता रहा तो वाटर स्कारसिटी हो जाएगी पानी ख़त्म हो जाएगा और पानी अगर ख़त्म हो जाएगा तो आपको पता <coughs> आपको मालूम है कि अगर वाटर स्कारसिटी बढ़ जाती है तो उससे यू नो वार्स हो सकती हैं वर्ल्ड वॉर थ्री कुछ लोग बोलते हैं कि पानी के ऊपर होगी तो ऐसी कंडीशनस डेवलप हो जाती हैं और ह्यूमन हेल्थ पर तो डेफ़िनेटली इम्पैक्ट होगा ही जब पानी और फूड सप्लाई ख़त्म हो जाएगा तो माल न्यूट्रिशन बढ़ जाएगी एंड क्लीन वाटर नहीं मिलेगा तो वो सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ ये सारी शुरू हो जाएंगी तो दैट इज़ आल्सो गोइंग टू अफेक्ट आस इन द लॉन्ग रन तो ग्लोबल सिनारीयों की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे रीजनज़ हैं दुनिया के अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पर डिजर्टिफिकेशन बहुत ही हाई लेवल पर बढ़ती जा रही है जैसे अगर एक रीजन है जो साहेल रीजन है नॉर्थ अफ्रीका के अंदर साहेल रीजन अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका मैप दिखाऊं तो साहेल रीजन बेसिकली इज़ अ यू नो रीजन जो सहारा डेजर्ट के बिल्कुल साउथ में है अगर आप ये देखो तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है जो सहारा डेजर्ट के बिल्कुल साउथ वाला रीजन है यानी कि जो ऑलमोस्ट अफ्रीका के वेस्टर्न अफ्रीका से स्टार्ट होके ईस्टर्न अफ्रीका की तरफ जाता है ये जो पूरा स्ट्रिप है और अगर स्ट्रिप की बात करें तो मॉरिशियाना माली नाइजर चार्ट, सूडान एरिटीरिया ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इस रीजन में लाई करती हैं ये पूरा का पूरा एरिया हमारा सहेल रीजन है और ये मैसिव डिजर्टिफिकेशन के प्रोसेस से जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनफैक्ट काफ़ी बार टाइम टू टाइम ये देखा गया है कि इस रीजन में बहुत ही सवियर फेमिन्स भी देखने को मिले हैं यानी कि बहुत ही हंगर और फेमिन लाइक कंडीशन देखने को मिली है छोटे छोटे बच्चे माल नरेश्ड और वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो ये ग्लोबल सिनारीयों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस रीजन में देखने को मिल रही है डिजर्टिफिकेशन की अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो यहाँ की इलेवन अफ्रीकन गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया है तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं ये यहाँ से ग्रीन वॉल क्रिएट कर रहे हैं यानी कि मतलब ग्रीन वॉल का बेसिकली मतलब जैसे आपको पता है कि चाइना में ग्रेट वॉल क्रिएट की थी बैक इन द यू नो फर्स्ट ए तो वैसी ही एक वॉल यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो वॉल होगी ये पेड़ों की वॉल होगी यानी कि ट्रीज और ट्रीज़ ही यहाँ पे पूरे ग्रो किए जाएंगे और इससे पूरा का पूरा ये स्ट्रिप जो है ये ग्रीन कर दिया जाएगा एंड आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू हेल्प लॉड ऑफ पीपल दैट इज़ गोइंग टू हेल्प द लाइवलीहुड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू नो द ग्रीनरी पार्ट तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो यहाँ पे किया जा रहा है सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव सेकेंड जो इम्पोर्टेंट रीजन है जहाँ पर uh, काफ़ी बार ये न्यूज़ में रहता है कि ये भी डिजर्टिफिकेशन के प्रोसेस से निकल रहा है ये रीजन है मुरे डार्लिंग बेसिन का मुरे डार्लिंग बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया की साउथ ईस्ट के अंदर यहाँ पे दो रिवर्स जाते हैं मुरे और डार्लिंग उसके बीच का जो बेसिन रिवर है उसको ये मुरे डार्लिंग बेसिन बोलते हैं और यहाँ पे भी मैसिव ड्रॉट्स देखने को मिल रहे हैं बैक इन द यू नो टाइम तो अगर हम देखें 1996 से 2012 तक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉट एरिया जो है वो देखने को मिला और आप देखो कि इस पूरे यू नो टाइम को बिग ड्राई टाइम भी बोलते थे ये तो मैं जैसे बता रहा हूँ जैसे साहेल रीजन था जहाँ पे यू uh, नो you know, ये सहारा डेजर्ट के बिल्कुल नीचे वाला जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन देखने को मिल रहा है वैसे ही अगर हम देखें मुरे डार्लिंग बेसिन में भी काफ़ी ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से उसको बिग ड्राई भी बोला गया है कंडीशन इन इंडिया इज़ ऑल्सो नॉट दैट गुड हमारे भारत में इसरो आपने सुना होगा इसरो के बारे में जो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है लैंड डिग्रेडेशन एटलेस का प्रोजेक्ट लैंड डिग्रेडेशन एटलेस में ये उन्होंने अपनी रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स को यूज़ करके टाइम टू टाइम ये देखने की कोशिश की है कि भारत में ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन का फिनमिना देखने को मिल रहा है बढ़ रहा है तो अगर आप इस मैप के ऊपर देखें तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशनस देखने को मिलेंगी तो जैसे ये टू और फाइव का मैप है और ये जो मैप है 2011-13 का मैप है तो अगर हम 2003-5 और 11-13 के मैप में देखें तो डेजर्ट्स की जो क्वांटिटी है या डेजर्टिफिकेशन के अंदर आने वाला जो एरिया है वो इंक्रीज होता जा रहा है फॉर इंस्टेंस अगर आप जम्मू कश्मीर को ही देख लें तो जम्मू कश्मीर के ये एरिया में डेज़र्ट और 2013 और 14 में अगर ब्लैक स्पॉट्स देखें तो वो बढ़ रहे हैं और सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप यहाँ पे तो बिल्कुल भी कोई ब्लैक स्पॉट नहीं था बैक इन 2003 थ्री एंड फाइव के बीच में लेकिन जब हम 13 की बात करते हैं तो ब्लैक स्पॉट इंक्रीज हो गया है तो ये डेटा भी यही बोलता है कि ओवर 25 फाइव परसेंट ऑफ इंडियाज़ लैंड एरिया इज़ अंडरग्रोइंग डेजर्टिफिकेशन तो आप ये देखो कि वन फोर्थ ऑफ इंडिया डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस से जा रहा है और 30 स्टेट्स में 26 सिक्स स्टेट्स तो ऐसी हैं जिन्होंने रिकॉर्ड कर करा है कि हमारी डेजर्टिफिकेशन का एरिया जो है वो बढ़ गया है तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि भारत में भी डेजर्टिफिकेशन बहुत ही एग्रेसिवली बढ़ रहा है और इनफैक्ट पंजाब और हरियाणा का जो ये एरिया है जो फूड फूड बास्केट है इंडिया की जो खाना सप्लाई करता है ये एरिया तो मेजरली अफेक्टेड है डेजर्टिफिकेशन से तो इमेजिन करके देखिए कि आने वाले समय में जो फूड बास्केट है जो खाना सप्लाई कर रही है स्टेट्स अगर वो स्टेट्स ही डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस से जा रही होंगी तो क्या हाल होगा ये बहुत ही डेंजरस चीज़ देखने को मिल रही है अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या दुनिया में या भारत में कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं हो रहे जो डेजर्टिफिकेशन को रोक सकें जी हाँ हो रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन साइन किया गया है बैक इन द डे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बै डिजर्टिफिकेशन जिसको फेमसली यू बोला जाता है और ये कन्वेंशन 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये कन्वेंशन उसी टाइम इस्टेब्लिश किया था जब यू जो क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए कन्वेंशन थी तभी इसको साइन किया गया था एक समिट हुई थी और उस समिट में ये कन्वेंशन साइन किया गया इंडिया इज़ डेफिनेटली अ सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन और रेगुलरली हम इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में जो है अपनी अटेंडेंस देते हैं कंट्री बी जैसे मैंने आपको बताया कि एक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी स्टेटस उन्होंने एक कमिटमेंट दी है हमारे भारत ने कि हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल स्टेटस 2030 तक अचीव कर लेंगे देखिए लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल का मतलब ये समझना है कि सपोज़ आपके पास ज़मीन है और वो ज़मीन का कुछ एरिया डेजर्ट बन गया है अब आपको उसको रिवर्स करना है एंड उसको दोबारा से उसकी प्रोडक्टिविटी उसी लेवल पे लेके जानी है जैसे वो नेचुरली होती थी इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी और यू एन लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है भारत में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट अफेयर्स है ये नोडल मिनिस्ट्री है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यू तो मतलब यही और वो ऑर्गेनाइजेशन है यही हमारी मिनिस्ट्री है जो यू की जो भी कमिटमेंट्स होती हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं ये हमारे भारत में भी कुछ गर्म, इंडियन गवर्नमेंट्स ने स्कीम्स लॉन्च की है डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए जैसे भारत में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जिसका आजकल नाम नीर आंचल प्रोग्राम रखा गया है नीर आंचल प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है जहाँ पर हम अपने गाँव हमारे शहरों के अंदर जो वाटर शेड है उसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं थोड़ा सा उसके इसको एक्सप्लेन करूँगा देखिए वाटर शेड बेसिकली क्या होता है कि जैसे बारिश का पानी है अब ये बारिश के पानी को हम सेव भी कर सकते हैं हम वेस्ट भी कर सकते हैं जो भी हम प्रिंसिपल्स इस बारिश के पानी को सेव करने के लिए लगाते हैं उसको हम वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम बोलते हैं तो वाटरशेड मैनेजमेंट में हम बारिश के पानी को सेव करते हैं जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग आ जाता है फिर जैसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऐसी कर लेते हैं या फिर हम कोशिश करते हैं कि स्लोप को रिड्यूस करते हैं या पानी की स्पीड को कम करते हैं ताकि पेन्यूट्रेशन वाटर की बढ़ सके तो ऐसी कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके ये एक अच्छा मेथड है हम डेजर्टिफिकेशन के साथ जो फाइट कर रहे हैं इसके अलावा भारत में बहुत पुराना एक डेज़र्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है यानी कि हमारे भारत के जो डेजर्ट्स हैं इनकी डेवलपमेंट करनी है इनके इनके डेजर्ट्स के अंदर हमें पानी लेके जाना है जैसे एग्जाम्पल के अगर तौर पर मैं बताऊँ इंदिरा गांधी कैनाल है जो राजस्थान में जैसलमेर तक जाता है और वो पानी कैनाल का पानी वहाँ के डेजर्ट्स यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस यू नो एरिड क्रॉप्स लाइक राज बाजरा जवाहर रागी एंड वो सारे क्रॉप्स तो ऐसे एरियाज़ जो ऑलरेडी डेजर्ट हैं हॉट डेजर्ट्स हैं चाहे राजस्थान के हों चाहे कोल्ड डेजर्ट एरियाज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर वगैरह एरियाज़ के ये सारे एरियाज़ के अंदर हम डेज़र्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं टू मेक श्योर के डेजर्ट्स जो बच जाएँ और एक्सपैंड ना हो सबसे इम्पॉर्टेंट है फिर भारत में 2014 में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग मिशन लॉन्च किया था नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया तो कोशिश ये है कि 10 साल के अंदर अंदर हम 33 परसेंट जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए किसी भी कंट्री का उसको अचीव कर लें और इसमें हम थोड़ा सा ग्रेजुअली इंप्रूव कर ही रहे हैं पीछे 21 परसेंट के अराउंड होता था अब 24 परसेंट के अराउंड फॉरेस्ट कवर हो चुका है सो दैट्स अ वेरी गुड यू नो इन्फॉमेशन इसके अलावा जैसे हमने बताया कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी के लिए भारत की सरकार इस चीज़ के लिए कमिटेड है और कोशिश है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा फिफ्टीन है उसको हम अचीव करें और डेफिनेटली वो इसके अंदर भी हम उसको लेके आए सो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ uh, कर सकते हैं टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ रिलेटेड है हमारे गांव में हमारे सरपंच हमारे पंचायतें कर सकती हैं फार्मर्स को एजुकेट कर सकती हैं तो ये अगर कुछ टेक्नोलॉजीज़ हम ले आएँ तो उससे भी डिजर्टिफिकेशन काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है जैसे कि हम इरिगेशन में इंप्रूवमेंट्स लेके कर आएँ तो हम कोशिश करें कि पानी को फ्लड ना करें हम माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स यूज़ करें क्योंकि जब पानी फ्लड होता है तो दैट लीड्स टू तो सेलिटाइजेशन और सेलिनाइजेशन लीड्स टू यू नो एक एक ऐसी लेयर जो है वो जम जाती है टॉप लेयर जिससे वाटर की पेनिट्रेशन कम हो जाती है एंड इट गो इट गोज़ एंड अफेक्ट्स द यू नो अंडरग्राउंड वाटर क्रॉप रोटेशन हमारी साइंटिफिक होनी चाहिए कहने का मतलब है हमें वो पहले क्रॉप ग्रो करनी चाहिए जो क्रॉप कम पानी ले फिर हम वो क्रॉप ग्रो करें जो ज़्यादा पानी ले तो ऐसी साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन हों तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प आस टेरेसिंग और कुंटूर बंडिंग और विंड ब्रेक्स ये बेसिकली इनका लॉजिक है टू तो प्रिवेंट वाटर एंड सॉयल इरोजन और जैसे जैसे वाटर और सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा डेफिनेटली उससे क्या होगा कि डेजर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं रुकेगी और लास्ट ड्यून स्टेबलाइजेशन आपको पता है कि जैसे सैंड ड्यून्स होते हैं जो जो हमारे द, जो क्या नाम है डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं सैंड ड्यून्स वो क्या होता है ना वो एक्सपैंड करते हैं वो अपनी प्लेस को छोड़ के नए नए एरियाज में जाते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हम डेजर्ट्स के अंदर ऐसे जैसे ग्रेट ग्रीन वॉल वो बना रहे हैं वैसे ही हम ग्रीन वॉल लगाएं हम ऐसी चीज़ें करें जिससे सैंड सैंडून जो है वो अपने एरिया से दूसरे एरियाज़ में ना पहुंच सकें तो ऐसे कुछ यू uh, नो you know, uh, चीज़ों को यूज़ करके हम डेजर्टिफिकेशन को डेफिनेटली कॉम्बैट कर सकते हैं चलिए आखिरी में देखते हैं हम एक पोटेंशियल मेन्स क्वेश्चन जो लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक आया था और इस क्वेश्चन को आप अपने अपने घरों में अटैम्प्ट करना अपने रूम में अटैम्प्ट करना क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेट बाउंड्रीज जस्टिफाई विद एग्जांपल्स तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि डेजर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्लाइमेट बाउंड्रीज को जस्ट यू नो डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज मतलब उनका कोई क्लाइमेट बाउंड्री नहीं है अगर डेजर्टिफिकेशन एक बारी होने लग गया तो वो बढ़ता जाएगा एक्सपैंड होता जाएगा इसको एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे जस्टिफाई करो तो इसमें आप सहेल बेसिन को ले सकते हो आप पंजाब हरियाणा वाले बेसिन को ले सकते हो और डेफ़िनेटली आप मुरे डार्लिंग बेसिन या चाइना में भी डिजर्टिफिकेशन जो बढ़ रहा है उसके एग्जाम्पल्स के बेसिस के ऊपर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो ये जी एस में आया था तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो अगर आपको अच्छा लगा है सेशन तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जैसे मैंने आपको बताया के अभिमन्यु आई 2023-24 के लिए एक नया बैच शुरू कर रहा है इंटीग्रेटेड बैच है टारगेटिंग सिविल सर्विसेज तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो बेस्ट फैकेलेटी आपको मिलेगी थैंक यू एवरीबडी टेक केयर हैप्पी स्टडिंग थैंक यू